हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ विंटर स्पेशल ब्रेकफास्ट एंड लंच रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। साथ ही साथ आप लोगों को मैं अपने सिस्टर इन लॉ से भी मिलाने वाली हूँ, तो आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आने वाला है। और अगर पसंद आता है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मुझे थोड़ी कॉल्ड की प्रॉब्लम हो रही, तो आवाज भी ऐसे ही लग रही है। एंड आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ बेसन का चीला। रुद्र को मैंने रेडी कर दिया, बस उसके हेयर बनाने हैं अभी। एंड उसने हेयर नहीं बनाया क्योंकि उसको पता चल गया कि वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा है। नहलाया नहीं मैंने, और थोड़ा वेदर ठंडा ठंडा हो रखा था ना, वो आएगा तब नहलाऊंगी उसे। एंड मैंने ना, और अभी मैं सब्जी में बनाऊंगी मूली की भुर्जी जो बनाते हैं। मैंने मूली के पत्ते एंड मूली को कट करके रात को ही रख दिया था, तो मेरा ये टाइम तो सही हो गया। और ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ बेसन के चिल्ले, तो चलो जल्दी जल्दी बनाते हैं क्योंकि मॉर्निंग में बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि मैं आराम से बात करूँ। बात बाद में करूंगी, पहले बनाते हैं। एंड यहाँ पे मैं पालक को चॉप कर रही हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी अच्छी मॉम बनूंगी। वैसे पता नहीं मैं अच्छी हूँ नहीं, मैं नहीं जानती, पर मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। और मुझे अपनी मम्मा की बहुत याद आती है, वो सब हमारे लिए जो करती थी आज हम हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं। यार सुबह सुबह वो जल्दी उठना, ब्रेकफास्ट बनाना, मतलब कभी खुद के लिए नहीं उठी थी लाइफ में। मैं भूखी चली जाती थी पर कभी खुद के लिए नहीं उठ के बनाती थी। वो बच्चे के लिए हर माँ का प्यार ऐसा होता है कि अपने आप उठना जगना सब सिखा देता है। आज जो हम लोग पहले नहीं कर रहे होते ना, वो सारी चीज़ें हम शादी के बाद अपने आप करने लग जाते हैं। पहले पति के लिए, फिर बच्चों के लिए, कभी खुद के लिए तो सोचने का टाइम ही नहीं मिलता ना। कभी सोचा होगा कि हमने कभी खुद के लिए बना के खाया है। तो बस यहाँ पे मैंने बेसन लिया है। बेसन में मैंने यहाँ पे ना पालक ऐड किया है, गोभी ऐड की है और प्याज ऐड किया है एंड अदरक ऐड किया, क्योंकि अभी विंटर है तो अदरक और लहसुन आप ऐड कीजिए, बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। और बेसिक मसाले ऐड किए, जैसे कि थोड़ा सा चाट मसाला, हल्दी, नमक, मिर्ची और धनिया पाउडर मैंने यहाँ पे ऐड करके, थोड़ा थोड़ा पानी हम यहाँ पे ऐड करेंगे और मिक्सर बना लेंगे। लास्ट में मैंने यहाँ पे कोरिएंडर लीव्स भी ऐड की है। एक चीज़ और, सर्दियों में सुबह सुबह जगना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शायद आई थिंक सबको ही सुबह के जो 5 मिनट होते हैं वो सबसे अच्छी लगती है। और इवन मैं तो टाइम भी देखती थी, अभी 2 मिनट बच रहे, 3 मिनट बच रहे, चलो 3 मिनट बाद में जगूंगी, ऐसे कौन कौन करता है। जब टाइम होता है ना फिक्स, तभी उठती, क्योंकि सुबह सुबह के जो 5 मिनट होते हैं ना वो इतनी सुकून वाली होते हैं ना, और जैसे निकलने का मन ही नहीं करता। और यहाँ पे मैं कृष्णा को रेडी कर रही हूँ। ड्रेस मैंने इसकी पहले ही चेंज कर दी थी, जब मैं जगी तो मैंने ब्रश करवा दी थी इसको, पोटी करवा के ले आई थी और रेडी कर दिया था। और आज के लिए तैयार होने में बहुत नौटंकी करता है। और मैं इसका बैग पैक करने से पहले एक बार बैग चेक कर लेती हूँ। स्कूल जाओगे? क्यों? ऐसे करो, रहने दो ना, आपके सैंडल वो रखे, हम आपको नहीं पहना रही सैंडल है ना। और टाइम भी करूंगा, भी बैठूंगा। मस्ती करोगी आप? हाँ। और पढ़ाई भी करोगी क्या? हाँ, मैं तो नहीं पहना रही आपको। आपने पहन लिए? हाँ। ये देखो इसको कितनी जल्दी हो रही है स्कूल जाने की। बैग के बिना ही चल लेते हैं आज। हाँ। हम जा रहे हैं स्कूल, है ना बेटा? हाँ, कृष्णा को लेके, बैग लेके कृष्णा का। एंड यहाँ पे मैं कृष्णा को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ। आने के बाद में मैं चाय बना के पी रही हूँ। जो काम पहले होता था अब लास्ट में होने लग गया, क्योंकि सुकून की चाय ज़रूरी होती है ना, सुकून से बैठ के पीना। और सुबह सुबह अगर मैं चाय पीने लगती हूँ ना, मुझे 15-20 मिनट लग जाते हैं यार पीने में। पता नहीं क्यों मैं बहुत टाइम लेती हूँ चाय पीने में, तो इतना टाइम नहीं होता मॉर्निंग में कि आप आराम से बैठ के पियो, तो वो टाइम स्कीप होके अब स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट भी बन रहा है। इसमें मैंने ना ग्रीन चिली ऐड कर दी थी जो कृष्णा के में नहीं थी, साथ के साथ मेरी चाय भी बन। और मैंने आलू छील दिया कृष्णा के लिए, क्योंकि उसकी वो है ना मूली की भुजिया नहीं खाता, तो उसके लिए मैं पोटैटो फ्राई कर दूंगी, आलू को फ्राई कर दूंगी, तो उससे रोटी खा लेगा। तो यहाँ पे मैंने मूली और उसके पत्तों को है ना बॉइल्ड होने के लिए रख दिया। साथ में मैंने दाल भी ऐड की। आप चाहो तो दाल को अवॉइड कर सकते हो, पर इन्हें दाल वाली भुजिया ज़्यादा पसंद है, तो मैं यहाँ पर दाल भी ऐड कर देती हूँ। तो साथ में मेरा ब्रेकफास्ट भी बन रहा है, चाय भी बन रही है और लंच की भी तैयारी हो चुकी है। और ये जो एक्स्ट्रा डिशेज हो जाते हैं ना सुबह सुबह, तो बस मैं उन्हीं को क्लीन कर रही हूँ, कि जितना जल्दी आप सुबह सुबह एक साथ सारा काम फ्री कर लोगे ना सर्दी में, तो आप आराम से बैठ सकते हो, वरना फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एक बार बैठ के ना सर्दी में फिर मन नहीं करेगा उठने का, तो एक बार काम फ्री करके मैं आराम से बैठती हूँ, फिर कितनी भी देर बैठो टेंशन नहीं होती। और यहाँ
यहाँ पे मैं कृष्णा को स्कूल से लाने के बाद में इसको है ना नहलाने ले गई थी, क्योंकि सुबह मैंने इसे नहलाया नहीं था। तो नहला के लाने के बाद में मैंने इनको बोल दिया कि आज आप रेडी कर दो, जब तक मैं लंच बना लेती हूँ। तो यहाँ पे ये रेडी कर रहे हैं इसे। मैं कृष्णा को ले आई, आज उसने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट अपना छोड़ दिया था। अब मैं अपने लिए सब्जी बना रही हूँ। तो सब्जी में मैं ना यहाँ पे बहुत सारी है ना अजवाइन ऐड किया, अजवाइन से टेस्ट अच्छा आता है। मूली की भुजिया में जीरा ऐड किया है, तेज पत्ता ऐड किया, बहुत सारा लहसुन अदरक ऐड किए, प्याज ऐड किए। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने फ्राई किया। फिर टमाटर ऐड किए हैं। अब इसमें मैं बेसिक मसाले जैसे धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, मिर्ची, ये सारी चीज़ें ऐड कर दूंगी। और जब तक मसाला पक नहीं जाए ना, तब तक आपको इसमें भुजिया जो आपने बॉईल की थी ना वो ऐड नहीं करनी। और जो मतलब आपने मूली और उसके पत्तों को जब बॉईल किया ना, तो उसमें पानी होता है, तो उसको निचोड़ के फिर इसमें ऐड करना है। पानी के साथ ऐड नहीं करना, वरना फीकी फीकी टेस्टलेस लगेगी। लास्ट में मेरी भुजिया बन गई। तो मैंने इसमें हरा धनिया ऐड किया है, और ये वो पानी है जो मैंने चोड़ा था ना मूली और उसके पत्तों में से, तो बस ये वही पानी है, तो इसको फेंकना नहीं है। मैंने इसका आटा यहाँ पे लगा लिया, क्योंकि ये भी उतना ही हेल्दी होता है, क्योंकि मूली और उसके पत्तों का पानी तो टेस्टी भी होता है। और साथ के साथ मैंने भुजिया निकाल ली थी, तो कृष्णा के लिए इसका पराठा बना रही हूँ, क्योंकि वो सब्जी नहीं खाता। तो मैंने वो निकाल के उसमें हल्दी नमक ऐड कर दिया, धनिया ऐड कर दिया, बस उसके लिए बन गया। और इस तरीके से मैंने उसके लिए आलू भी फ्राई कर दिए थे साथ के साथ, और पराठा मेरा बन गया। तो कृष्णा क्या है, पराठे में तो फिर भी भुजिया खा लेता है, बट अगर मैं उसको रोटी से खिलाऊंगी ना तो बिल्कुल भी नहीं खाता। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जब कृष्णा है ना जो भी सब्जी नहीं खाता ना, तो मैं उसके पराठे बना देती हूँ, कि उन सभी बच्चों के लिए अच्छा है कि जो पराठे खाते हैं और सब्जी नहीं खाते, उनको इस तरीके से खिला सकते हो। नमस्ते। चाय दीदी बना। तो अभी मेरी सिस्टर आई हुई है, और मैं अभी चाय बनाने आई हूँ किचन में, जो आप लोगों के लिए स्वीट्स। वैसे वेट गेन हो रहा एंड सबसे फनी बात बताऊं, कृष्णा को मैं बोल रही थी कृष्णा भूआ आ रही है, भूआ आ रही है, तो वो बोलता है भूआ क्या होती है। कृष्णा जानता ही नहीं था, क्योंकि मेरी जो सिस्टर इन लॉ ना बहुत कम ही आती है, साल में एक या दो बार आती है। तो कृष्णा के टाइम पे जब भी ये आ रही थी ना, तो मैं या तो अपने घर पर होती तो मिल ही नहीं पा रही थी। तो आज कृष्णा पूछ रहा था भूआ क्या होती, मैंने कहा आएगी जब बताऊँगी। तो कृष्णा बोलते ये भूआ है, मैंने कहा हाँ बेटा ये भूआ होती। तो बहुत हंसी आ रही थी यार उसको देख देख के। दोस्तों मैं यहाँ पे अपना वीडियो एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा ना। तो आप लोगों को मेरी सिस्टर इन लॉ से मिलके कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों यार कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मुझे अच्छा लगता है।